सुल्तानुल हिंद वेलफेयर एसोसिएशन और अल सिद्दीक स्पोर्ट्स ग्रुप और गौस एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से दरगाह हज़रत सोटे पीर क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का 491वां उर्स शरीफ नहायत ही शानदार अंदाज में मनाया गया और इस मौके पर हज़्म मामूल 53वां दंगल मुनक़िद किया गया था और ख्वाजा पाशा उस्ताद केसरी के टाइटल होल्डर्स पहलवानों और दीगर मेहमान खुसूसी यानी जनाब वासेउद्दीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर और मोहम्मद अमजद खान अज्जू पहलवान मौज़्ज़म असद खान पहलवान ख्वाजा पहलवान और हैदराबाद के मशहूर मारूफ सिंगर जनाब तौफीक साहब उस्ताद ज़ादा अकबर पहलवान और वॉइस टुडे न्यूज के सब एडिटर मोहम्मद खालिद की गुलपोशी व शालपोशी की गई। तो ये देखते हैं दरगाह हज़रत सोटे पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स शरीफ के चंद झलकियां और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम आपको रह सकें हर खबर से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 451वां उर्स शरीफ हजरत सोटे पीर रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स शरीफ है जिसमें कसीर तादाद में लोग शिरकत किए हैं, ख्वातीन और अहलिया ने मोहल्ला नौजवान महल्ला बुजुर्गान ने शिरकत किए और सुल्तानुल हिंद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सुल्तानुल हिंद वेलफेयर एसोसिएशन जानिब से 53वां दंगल हुआ परसों उस्ताद ख्वाजा पाशा उस्ताद केसरी जिसके विजेता का भी हजरत सोटे पीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर जो ख्वाजा पाशा उस्ताद रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हुई परसों जिसमें गोल्ड मेडल जो वेट कैटेगरीज में बच्चे लिए हैं उनको भी गुलपोशी की जा रही है और सुल्तानुल हिंद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 53वां दंगल हुआ है परसों जो हुआ और 50 किलोग्राम के जुमरे में और 57 किलोग्राम के जुमरे में 66 किलोग्राम के जुमरे में 76 किलोग्राम के जुमरे में 100 किलोग्राम के जुमरे में ये 5 टाइटल हुए हैं। उस 5 टाइटल में जो विजेता पहलवानों को उसके मौके पर उनकी गुलपोशी की भी की जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हजरत जानुल्लाह शाह कादरी अल मागरब सोटे पीर रहमतुल्लाह अलैह 451 साल उर्स शरीफ के मौके पर आज ये चिरागा भी है। कल संदल था 22 शाबान को, 23 शाबान को चिरागा है। इसके मौके पर हमारे जो अखाड़े के जो क्रिश्चियन है उनके मिडिल ईस्ट धीरे इस उर्स शरीफ के मौके पर मिडिल ईस्ट दिया जा रहा है। हमारे हाफिज उस्ताद अखाड़े के जानब से, हमारे समद उस्ताद अखाड़े के जानब से आज मिडिल पेश किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्स शरीफ सोटे पीर साहब हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 451 साल उर्स शरीफ है और इसमें तमाम अहलियान मोहल्ला के हजरात वो बुजुर्ग ख़वातीन वगैरह तमाम यहाँ पर मौजूद होते हैं और तमाम रसूमात के साथ दरगाह शरीफ के रसूम अंजाम देते हैं और यहाँ के नौजवान मोहल्ला हाफिज़ उस्ताद के पोतरे अबू पहलवान और दीगर हमारे ख्वाजा पहलवान अज्जू पहलवान और मैसन पहलवान और जाफर पहलवान अजहर पहलवान नैयर पहलवान खलीफा समद उस्ताद तमाम ताहिर पहलवान तमाम सब मिलकर वाहिद पहलवान उस्ताद के खलीफा उनके बेटे हबीब पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं तमाम हजरात और ये आज के जो उर्स के तकारीफ का सिलसिला है ये अहलियान मोहल्ला याकूबपुरा की जानिब से तमाम नौजवान मिलकर करते हैं और एक तसलसल है बुजुर्गों से होता हुआ आया है आज हम भी कर रहे हैं। ये 451 साल उर्स है हजरत का नाम पूरा सोटे पीर साहब हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जानुल्लाह शाह कादरी सोटे पीर साहब हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जानुल्लाह शाह हजरत जानुल्लाह शाह कादरी अकबर सोटे पीर साहब हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 451 साल उर्स की तकारीब का तसलसल है। बेरून याकूबपुरा दरगाह सोटे पीर साहब हजरत क़िबला रहमतुल्लाह कोट हसनुल्लाह खान सादिया कमान के करीब बाजू में
वाकई दरगाह शरीफ है और मस्जिद हाफिज़ी अहले सुन्नत वल जमात के बिल्कुल करीब में हजरत का हजरत की दरगाह है। यहाँ पर ऐसो इस ताल्लुक से जो उर्स होता है इसमें अहलिया ने मोहल्ला के तमाम हजरत मधु होते हैं। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Yeah, yeah, yeah.